डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पर आज श्रीनगर में हुए पार्टी प्रतिनिधियों के अधिवेशन में सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित घोषित किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी हो। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग होमलैंड बनाने के मुद्दे पर विरोध जताया। वहीं अधिवेशन में पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत के संविधान के दायरे में रहकर स्वायत्तता की मांग देश विरोधी है तो हम खुशी खुशी इस पर दृढ़ता से कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर स्वायत्तता की चर्चा मात्र करना ही देश विरोधी है तो फिर केंद्र द्वारा नव नियुक्त वार्ताकार क्या बातचीत करेंगे। हम तो मोहब्बत के साथ तुम्हारे साथ जुड़े, तुमने हमारी मोहब्बत को समझा नहीं, तुमने हमारी हर चीज को छीन लिया और फिर कहते हो कि हम तुम्हारे नारे क्यों नहीं लगाते। ये याद रखना, ये कौम जम्मू कश्मीर और लद्दाख कभी तुम्हारा नारा नहीं लगाएंगे जब तक तुम इनके दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करोगे। और अगर तुमने इनके दिलों को जीतना है तो हमारी खुद मुख्तारी हमें वापस कर दो। चिदम्बरम गलत नहीं था, अफसोस तो मुझे कांग्रेस में भी आता है। तुम्हें तो हमारे ये सब चीजें छीनी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।